ठाकुर जी ने गिरिराज्य धारण किए। सात दिन सात रात्रि बाद इंद्र ने मेघमालाओं को आज्ञा की, वर्षा बंद हुई, ठाकुर जी ने पुनर्गिरिराज्य को विराजमान किया। खूब जय जयकार हुई, ठाकुर जी को लेकर के सब ब्रजवासी कंधे पर उठा करके नाचने लगे, खूब आनंद करने लगे। अब गर्ग संहिता की एक कथा आती है, बहुत ध्यान से सुनना। जब ठाकुर जी ने गिरिराज्य वापस विराजमान कर दिए तो ब्रजवासियों के कुछ समूह आपस में चर्चा करने लगे, बोले नंद जी को लाला जो है का है ना, जे सामान्य बालक नहीं है, जे कोई भगवान है और या फिर ये कोई देवता है। और वे सब गए जाकर के नंद बाबा से कहने लगे, बोले नंद बाबा आप हमसे कछु छुपा रहे हो, सांची सांची बताओ ये तुम्हारे लाला में ऐसा कौन सा गुण है, ऐसे कौन से देवता है या कि बंदर या फिर या में कछु तो विशेषता है, हमको बताओ। नंद बाबा बोले देखो कोई विशेषता नहीं है, आपको सांची बता दूं, गर्गाचार्य जी ने जब हमारे लाला को नामकरण संस्कार कियो तो नामकरण करते समय गर्गाचार्य जी बोल के गए कि भैया देखो तुम्हारो जो लाला है ना ये नारायण समूह गुण ही है, नारायण के समान गुण है या लाला में, या हमारे कभी कोई अद्भुत लीला करे तो आप संशय मत करियो। और ये बात गर्गाचार्य जी ने दो लोगों के काजे ब्रज में कही है, एक ब्रजमानुनंदिनी किशोरी जी के लिए और दूसरी ठाकुर जी के लिए। तो ब्रजवासी पीछे पड़ गए, बोले तो फिर इन दोनों को ब्याह कराए दो, दोनों को ब्याह कर दो। ब्याह को प्रस्ताव सुन करके नंद बाबा खुश है गए, बोले ठीक है भैया जैसी आपकी इच्छा कर देंगे ब्याह। बड़ी अच्छी कथा है। तो नियम क्या है, बोले ब्याह पक्का कब होता है, हमारे यहां पूर्व का ऐसा रिवाज कि बेटी वाले कुछ सामग्री भेजेंगे बेटे वालों के यहां और वो सामग्री बेटे वाले दुगनी करके भेजेंगे बेटी वालों के यहां, तब संबंध पक्का होगा। तो पहली सामग्री श्री जी के यहां से आई, बरसाने से आई। कितनी सामग्री, बोले इतनी सामग्री आई कि वृंदावन में एक तिल रखवे की जगह नहीं बची, इतनी सामग्री आई। बड़ी बड़ी बैलगाड़ी में महाराज हीरे जवाहरात मोती भर भर के आए नंद भवन। नंद बाबा मुनीम जी के संग में बैठे हैं, बोले भैया जितनी सामग्री आए सब लिख लियो, दुगनी दुगनी करके भिजवानी है बरसाने। अब तो महाराज बैलगाड़ी आती जा रही है आती जा रही है, सुबह तो शाम है गई। नंद बाबा बोले और कितनी है, बोले अभी तो जगह ना बची वृंदावन में, अभी तो मार्ग में ही खड़ी है बैलगाड़ी। नंद बाबा बोले मुनीम जी भैया सब देख लो, सामग्री देखो, मणि आदि सब देख लो, कितनों मोल है इनको और सब व्यवस्था करो, दस दिन के अंदर दुगनों करके भेजेंगे, तब लाला को ब्याह पक्को होगो। अर्धरात्रि का समय नंद बाबा प्रसाद पा रहे हैं और गोद में लाल जी बैठे हैं, ठाकुर जी बैठे हैं। इतने में मुनीम जी आए, मुनीम जी आकर के बोले बाबा जे संबंध नाए है सके, नंद बाबा बोले चो बैठे ठाकुर जी बैठे। इतने में मुनीम जी आए, मुनीम जी आकर के बोले बाबा जे संबंध नाए है सके। नंद पा रहे हैं और गोद में लाल जी बैठे हैं, ठाकुर जी बैठे हैं। इतने में मुनीम जी आए, मुनीम जी आकर के बोले बाबा जे संबंध नाए है सके। नंद बाबा बोले चो,
बोले बाबा अभी एक बैलगाड़ी की एक मोती की मांग। अल्लाह को मैंने मोल निकालो तो आपकी 9 लाख गैया बिक जाएंगी, पूरा नंद भवन बिक जाएगा, वृंदावन बिक जाएगा एक माला में, तब भी एक माला की भरपाई नहीं हो पाएगी। ऐसी असंख्य बैलगाड़ी भर के सामग्री है, कहां तक करेंगे हम ब्याह? नंद बाबा बोले तो कहा करें? बोले कल यथावत जितनी सामग्री है सब वापस बरसाने भेज दो और ब्रज भानु जी तो मना कर दो। बोले भैया ये ब्याह ना आ सके। ठाकुर जी गोदी में बैठे बैठे और मुनीम जी को घूर रहे हैं, बोले दारी के मेरो ब्याह तुड़वा भी आयो है। नंद बाबा मुनीम जी बात कर रहे, इतने में ठाकुर जी उठ के भागे और एक बैलगाड़ी की एक माला लेकर के ठाकुर जी कहीं चले गए। दूसरे दिन सब सब सामग्री वापस करवे को समय आयो। मुनीम जी सब गिन लो जितनी सामग्री आई उतनी है कि नहीं? मुनीम जी सब गिनते जा रहे हैं, हाँ भाई इतने मोती हैं, इतने हीरा हैं, इतने ये हैं, सब इतनी बैलगाड़ी हैं, सब सब गिनते गिनते मुनीम जी बोले भगवान सब कुछ हुआ लेकिन एक मोती की बैलगाड़ी में थे एक माला गायब है, वो नहीं मिल रही है। नंद बाबा सिर पर हाथ धर के बैठ गए, बोले दुगनो करनो तो दूर की बात, जितनो आयो उतनो भी ना पहुंचा पा रहे वापस, जन कहां तक कोई निगोरो चोर आ गो चोरी करके ले गो रात में। नंद बाबा बड़े परेशान। इतने में ही नन्हे से मदन गोपाल आए, बाबा का भयो तुम जरो काई कु रहे हो? अरे देख लाला तेरे ब्याह के काजे इतनी सामग्री आई, ना जाने कहां थे कौन सा कोई चोर आयो या मैं तो एक मोती की माला लेके भाज गयो। कहा करें हम तो मुंह दिखावे लायक भी नहीं बचे, ब्रजभानु जी कहां सोचेंगे हमारे बारे में? ठाकुर जी बोले बाबा चिंता काय कर रहे हो, बा माला है तो मैं लेके चलोगो। ठाकुर जी बोले कहां लेके गयो? अरे बाबा कल मुनीम जी कह रहे हैं ना हम पे सामग्री इतनी नहीं है कि हम दुगनों करें, तो मैंने अपनी बुद्धि लगाई, मैंने सोची कि हमारे नंद बाबा बीज लेके आमे और खेतन में बो दें, सोई बीज में तो अनेक फसल है जाए, दुगनी दुगनी है करके फिर महाराज दुकान में हम लोग जाके बांट दें आमे। मैंने सोची जब मोती हीरे जवाहरात कम पड़ रहे हैं तो इनको भी बोए दो, इनके वृक्ष प्रकट है जाएंगे, पौधा आ जाएंगे, उनमें फल रूप में ये भी लग जाएंगे। नंद बाबा बोले बाबड़े कहा करके आयो लाला, ये कोई मोती बोवे तो होवे थोड़ी है, अमुक दिखा तो सही कहां बो के आयो है। ठाकुर जी उंगली पकड़ करके नंद बाबा को ले गए। आज भी बंधुओं वो गांव वो स्थान विद्यमान है नंद गांव के पास में, ठाकुर जी लेकर के गए। नंद बाबा ने जैसे ही खेत में जाके देखो तो मोती हीरे जवाहरात मणियों के बड़े बड़े वृक्ष लगे हैं और उन पर फल रूप में मोती मणि और सुंदर सुंदर आभूषण लटके हुए हैं। नंद बाबा तो देख करके हैरान है गए, बोले लाला जे कैसे भयो? बोले बाबा वो मत सोचो कैसे भयो, मेरो ब्याह पक्को कर दो, ये सब दुगनो दुगनो करके भिजवाए दो, मेरो ब्याह कराए दो। तो ऐसे कहीं कहीं ब्रज के ग्रंथों में, कहीं कहीं गर्ग संहिता में, कहीं कहीं ब्रज के साहित्य में किशोरी जी के साथ ठाकुर जी का विवाह संपन्न हुआ ऐसा भाव। वैसे बंधुओं एक बात कहें, लोग कहते हैं महाराज जी ठाकुर जी का रुक्मणी जी से ब्याह हुआ, किशोरी जी से ब्याह वाते करनो पड़े जाते ना होवे, जो अपनो ही है जो हमारो ही है वाकू ब्याह करके दिखावे की कहा आवश्यक? श्री जी ठाकुर जी से भिन्न नहीं है, श्री जी ठाकुर जी से अलग नहीं है, श्री जी तो नित्य ठाकुर जी की हैं। हाँ लक्ष्मी ठाकुर जी की नहीं है इसलिए ठाकुर जी उससे ब्याह करते हैं, ब्याह उसी से तो किया जाता है जो हमारा नहीं है, अपना बनाने के लिए उससे ब्याह किया जाता है, लेकिन जो नित्य हमारा है। अब ये विषय ऐसा है कि इसके लिए तो फिर भाव से राधा रसामृत सुनो, ब्रज की लीलाएं अलग से सुनो, वो हम करते हैं साल में एक दो बार करते हैं तब ये भाव समझ आए। तो इस भांति ठाकुर जी का मंगल गोवर्धन उत्सव सुसंपन्न हुआ, भगवान ने गिरिराज धारण किए। गोवर्धन, गो कहते हैं बंधुओं इंद्रियों को, हमारे शरीर की समस्त इंद्रियों को गो कहा जाता है, और इस गो रूपी इंद्रिय का जो वर्धन करे कृष्ण भक्ति में उनका नाम है गोवर्धन। हम एक युक्ति और बताते हैं कथाओं में,
जैसे भक्ति में क्या होता है, किसी को कथा सुनने में बहुत अच्छा लगता है पर उसको दर्शन में इतना सुख नहीं मिलता। मतलब कथा सुनवा लो कितनी भी, लेकिन उससे कहो चलो वृंदावन चलो, गोवर्धन चलो, गिरिराज जी चलो, कथा सुनवा दो भैया, ये सब मत करवाओ भैया, घुमा दियो। क्या बता रहे थे हम, क्या बता रहे थे हैं? हाँ गोवर्धन, गोवर्धन। हाँ तो हमारी समस्त इंद्रियां अलग अलग बटी हुई हैं। किसी 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 व्यक्ति को कथा सुनने में बहुत अच्छा लगता है पर दर्शन में इतना सुख नहीं मिलता। किसी व्यक्ति को दर्शन में सुख मिलता है लेकिन कथा में आती उसको निद्रा आ जाती है, सो जाए बेचारो। किसी को दर्शन में भी सुख नहीं मिलता, किसी को कथा में भी सुख नहीं मिलता, उसको केवल एक ही चीज की प्रतीक्षा होती है। कोई वृंदावन जा रहा, सुनो वहां से पेड़े ले आना, उसको प्रसाद पाने का ही सुख होता है। मंदिर जा रहे हो वहां से प्रसाद जरूर ले आना, उसको प्रसाद का ही सुख होता है। कई कथाओं में प्रसाद की व्यवस्था होती है तो आधे श्रोता तो इसीलिए आते हैं कि कथा के बाद प्रसाद मिलेगा। कहीं कहीं कथाओं में ग्रामीण क्षेत्रों में लोग क्या करते हैं, आयोजक लोग, ताकि लोग कथा में आए इसके लिए भोजन की व्यवस्था करते हैं। लोग भी इतने चतुर हैं, वो तभी आते हैं जब कथा विश्राम होने वाली हो, ताकि विश्राम होते ही भोजन में बैठे। तो किसी को दर्शन में सुख है, किसी को श्रवण में सुख है, किसी को पाने में सुख है। लेकिन हम कहते हैं यदि कोई व्यक्ति गिरिराज जी की परिक्रमा करे, श्री गोवर्धन नाथ जी की परिक्रमा करे और परिक्रमा करने करते समय ये भाव गिरिराज जी से कहे कि मेरी कथा सुनने में रुचि बढ़े, मेरी आपकी सेवा में रुचि बढ़े, आपके दर्शन में रुचि बढ़े, जिस जिस इंद्रिय की रुचि नहीं है उसकी शिकायत लेकर के आप गिरिराज जी की परिक्रमा करो, आप परिक्रमा पूर्ण करते ही अनुभव करेंगे आपकी वो इंद्रिय ठाकुर जी की भक्ति में सजग हो जाएगी। इसीलिए उनका नाम गोवर्धन। अब हम अपनी बात बता रहे हैं प्रत्यक्ष। हमारे गिरधर लाल जी, अब हम रामानुज परंपरा से दीक्षित हैं, हमारे ठाकुर जी पुष्टि मार्गीय हैं, अब ब्रजवासी सब पुष्टि मार्गीय हैं।